छः सितंबर 2022 यहाँ नीलकंठ महाराज को निकाले हैं। पंख इसका जो है बिना चेक किए हुए निकाला जा चुका है। अब दिक्कत यह है कि चेक किया ही नहीं गया। आप देखो भगवान भरोसे भाई, कल तो हम लोगों ने देखा पंख इसका खुल ही रहा था, ऐसा पूरा खुल रहा था, पूरा खुल रहा था, वो घायल पंख टूटा हुआ है। तो यहाँ पर लाओ इसको ऐसे यहाँ देख के बनाओ, जरा यहाँ खड़े हो जाओ, ऐसे बनाओ। नीलकंठ दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट हम देखें। हाँ देखो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा। ठीक है, जाएंगे देखिए सामने नीलकंठ जी, इनको आज़ाद करना पड़ा क्योंकि हमने तमाम सब रोटी और दाना, और लोगों ने कहा कि ये दाना और ये वाली नहीं, ये वो खाते हैं, कोई कीट पतंगा है, मछली है, इन्हीं की एक प्रजाति होती है मछली में पानी में लंबे टोंट की। हाँ लंबे टोंट की, हाँ वो पानी में डुब्बी मार, डुब्बी मार के मछली निकाल ले। हाँ। लेकिन ये लोग पानी में डुब्बी नहीं मरती। बड़ी बिटिया के इनको तालाब किनारे रहा थे, हमका नहीं मालूम तालाब किनारे रहा, वो लंबे वाले रहा थे, इन्हीं की प्रजाति है, अलग अलग है जैसे। तो इनको जो है इनको भगवान भरोसे छोड़े हैं फिलहाल, अभी बिल्ली यहाँ नहीं है। तो अभी से मैं बेचारे रुमा फुलाए बैठे हैं, और पास में जाइए तो ये थोड़ा चिल्लाने आए नहीं उड़े का भाई, खुद थोड़ा था, अब शिकार के तलाश में बैठे हैं रुमा फुलाए, तब ताकि ये तब इनको आज़ाद किया है इसी जगह पर कि भैया अपने कीट पतंगा खाएं। और गनीमत है कि बिल्ली नहीं है, कुत्ता जो है वो यहाँ वहाँ वो हो रहा है। तो पांडे जी का देखिए हर आदमी में गुण और गुण तो होता ही है, सब में कोई ना कुछ, कोई ना कुछ, और उसको तो जो स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। लेकिन हमें आदमी के गुणों की कदर करनी चाहिए, जो गुण है वो भी कहो। अब पांडे जी ने इसके बारे में वीडियो पर निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा, तो भाई अंदर से जाने वाला खून तो है ये है, तो उन्होंने देखा तो हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि महाराज कल हम आश्चर्यचकित हो गए कि दशहरे के दिन लोग ढूंढते हैं जाके कहीं कहीं, या बहेलियाँ जो चिड़िया पकड़ने वाले वो दर्शन करवाते हैं, उनको फेंक देते हैं उसी हालत में, उनको और पंख लगा। अब हो सकता है कल सुबह के टाइम कोई बहेलिया लेके आया हो, किसी ने छुड़वा दिया हो, तो इतने बड़े मोहल्ले में सारे जीव जंतु चिड़िया उल्लू अजगर सर्प सब यहीं आते हैं, चाहे गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे गिद्ध हो। कितने साल पहले गिद्ध आया था, एक जमाना बीत गया, तब उस जमाना कैमरे ने कुछ तो भी नहीं था, लेकिन प्रमाण तो है, आदमी तो एक आध दो जिंदा बचेंगे वो तो गवाही देंगे। तो अब वो हमको सो करके पैसा नहीं लेना है, गिद्ध आया था इलाज करवाने। देख अब तो पूरा स्टाफ ही सब बदल गया, उस जमाने कोई है भी नहीं। एक सरकारी सांड मर गया था और गिद्ध ने ज्यादा खा दिया था, उड़ के आया और हमारे दरवाजे ही गिर पड़ा वहाँ। अब कम से कम हमारे ख्याल से 40 साल पहले की घटना होगी, कम से कम अंदाज है ये। तो नहीं देखा गया माँ ऐसे ऐसे प्राण कर लाओ, शायद प्राण निकल रहा लाओ पानी डाल दे। अब बिना भय खाए उसके मुँह में जाके झट से पकड़ा पानी वो किया, तो उसने यहाँ जब पकड़ना था यहाँ टोट मार दिया था, अभी उसका निशान बना है। जब मैं 16-17 साल का था तो उस समय एक गिद्ध ने यहाँ टोट मारा था, ये निशान देखिए, ये निशान है, देखो ये है निशान, चमक रहा है। हाँ हाँ, करीब से दिखाओ कैमरे से। या, जब मैं 15-16 साल ये यहाँ से यहाँ तक सीट दिया था, उस समय बछरामा की बात है, बड़े भाई का सिनेमा था, वहाँ मैं मौजूद था, सिनेमा चलता था उनका, कना भी काफी है। हाँ आंटी, अब खत्म हुआ कमरा में है, इतने समय खत्म है, लेकिन वही कमरा में कैरेट रखा है। हाँ। वही बोरी है। हाँ। वही बोरी में दे, वही बोरी में रखा करो, घोड़ा बोरी में ही खा दे। अच्छा ठीक ठीक। हाँ तो अब देखिए कना भी आज रिक्शा वाले से कहेंगे, वो परदेश मंगा ले है ना, वही उसका सहारा है। तो ये सब अनहोनी घटनाएं क्यों घटती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है,
प्रत्यक्ष अब बड़े बड़े स्वामी पता नहीं बहुत धन था समाज है, कोई बात का प्रूफ करे कि धन दशहरे में मेरे जीवन में पहली घटना है कि नीलकंठ महाराज स्वयं है। इधर देखिए, इधर किया तो देखिए, कई रंगों से सुशोभित है नीलकंठ, पूरा उड़ तो रहा है, पूरा उड़ तो उधरे दिखाना क्या मेरा। अब इनको भगवान भर से छोड़े हैं कि यहाँ उड़ेंगे, शायद कोई कीड़ा मकोड़ा देखेंगे तो अपने खाएंगे, गनीमत के समय बिजली नहीं है यहाँ पर। अच्छा ये देखिए उड़ के गए, देखा अब काफी भूखे हैं ना, ये देखो अब उसी में उड़ के गए हैं, उसी में हो सकता है कोई ढूंढे कीड़ा पतंगा है ना, चीटी चीटा, ये देखे वहाँ पहुँच गए। ये देखो हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पहुँच गए, देखो वो यहाँ देखो है ना, वहाँ पहुँच गया। खैर चलो तब है, अब इनकी इच्छा है भैया अब यहाँ विराज रहे हैं। तो पांडे जी ने फोन किया कि महाराज ये बहुत बड़ी अनहोनी घटना है, ये अंधे समाज को नहीं दिखता, अंधे समाज को फोटो हो कैलेंडर हो यानी अफवाहें उड़ा दी जाए, अफवाहों पर तो जनता इस एक यहाँ इंदिरा नगर में एक फ्रिज में ऐसा बर्फ टपका वो शिवलिंग ऐसा बन गया, और महा वो भ्रष्ट महिला थी, महाभ्रष्ट भीड़ लग गई, कहें शंकर जी निकले, देखो कितना अंधा समाज है। एक डिंपल बाबा का नाम सुना कि नहीं सुना? हाँ सुना। तब कितना लोग उनका बेवकूफ बनाई, लौंडा जो है कलकत्ता और बम्बई से मने आवे लगे रहे है? हाँ। कमाए उमाए के बाद अब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, काम खत्म सब खत्म भाई, कमा ली अपन मकान बन मगा सब हुई गवा, अरे मतलब सब कुछ हो गया के पास अब बस। डुमरियाज कितनी दूर है? हम आएंगे से लमसम 20-25 किलोमीटर। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, ये तो नहीं हम तो पूरी जिंदगी बिता दिया, हमने तो कभी पैसा कमाने के लिए सोचा भी नहीं, जो था जितने में था उसी में अपने हम करते रहे, एक पागलपन था, एक धुन सवार था, मोरे तो गिरधर गोपाल और दूसरे न कोई, जैसे मीरा का था, आज भी कर रहे हैं इस उम्र में भी, अभी उघारे बदला ने अभी मच्छरों ने कई जगह काटा है सब यहाँ पर, अभी जाएंगे वही मिट्टी के तेल देखे लगाएंगे तो जलन खत्म हो जाती है, और अभी है आदमी मौजूद है इसी को लेकर के अब निकलेंगे एक आध दो घंटे में, देखो 2:30-3 बजे भी निकल दिया जाए है ना, ज्यादा इंतजाम न किया जाए, अगर पानी आ गया मान लो तब सब धरा रह जाएगा, तो कम खाना पीना खा लो और खाना पीना खा करके तो कोई किसी की बातों पर गौर करें आप लोग, ऐसा क्यों क्यों हमारे यहाँ ही क्यों आते हैं, सांप तो कोई है यहीं यहाँ क्यों आता है, सांप को दरवाजे एक लाइन से गाय बैठ जाती है रात में क्यों, आपसे नहीं एक जमाना बीत गया, ऐसी मिसाल बाबा का हो मंदिर का हो कोई बताओ ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो पांडे जी में गुण है मूल्यांकन करना, भगवान ने माता सरस्वती की कृपा है मूल्यांकन करना तर्क करना, तो उन्होंने फोन किया कहन साहब ये अद्भुत घटना है, इसीलिए हमने कई वीडियो बनाए, इसके वीडियो बना बना के डाला कि लोग देखो सीखो समझो, कैलेंडर में आपने नीलकंठ का फोटो देख लिया, अंधविश्वास तर्क पर जाओ, तर्क से ही सुप्रीम कोर्ट में आदमी मुकदमा हारता जीतता है, इन्होंने एक तर्क दिया कि न तो ऐसा कहीं कहीं सुनने में नहीं आता कि नीलकंठ ये शंकर जी का ही, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी हनुमान जी एक हैं सब 11वें रुद्र हैं हनुमान जी उनके, तो ऐसा क्यों यहाँ आए उनका हमने फोटो लिया पिंजड़े से निकाला उसका वीडियो बनाया, यहाँ सामने बैठे हैं वहाँ वीडियो बनाया, अब यहाँ बैठे यहाँ चल गया, एक बार बहुत बना लें क्या पता कल तक की कहीं उड़ जाए या कोई बाहरी बिजली की शिकार बन जाए, ये दर्शन भक्तों को कहाँ होगा, देखिए वहाँ बैठे हैं चमक रहे हैं, धीरे धीरे चले जाओ बनाते हुए, तुमने इनको पकड़ा है ना कल हाँ। इसीलिए तुमको देख के वो भाग रहे हैं, हमका डर थे हाँ, वो तुमको डर रहा था, अब तुम न जाओ कैमरा हमको।
लो भैया दर्शन करवा दे रहे हैं कोई तुम ना झांको, यही तो तुम लोग बेकूफी करते हो, कैमरा दिखा रहा हूँ झांक रहे हो, ना भागना तो भाग जाए, हम वहाँ करीब बैठे रहे तो हमारे करीब रहा वो। ये लो का है भैया, चलो उसी को ढनगाओ, ढनगा के बस खा पी के तैयार हो, बस हम जल्द ही निकल पड़ेंगे, हम टाइम का इंतजार नहीं करेंगे, लौट के आगे काम करेंगे। देखिए सामने बैठे हैं, फिर से आप दर्शन कर लीजिए। देखिए लेबर को देख के भाग रहे थे, हमको देख के नहीं भाग रहे हैं। एक पंख इधर का इनका लटका लटका सा है, देख रहे हैं इनको। ये देखिए कहाँ है भैया, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये आप शायद दिखाई पड़ रहा है। इतने नहीं नजर आ रहे हैं, अब इनको छोड़े हैं ना, भी कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, भाई भागो मत भागो मत। ये भाग, ये देखो ऊपर से लाशा लगा है, शायद थोड़ा बहुत उड़ रहे हैं ये, खा लो खा लो। और थोड़ा करीब से बना रहे हैं ना, लीजिए साहब, ये देखो कहाँ कहाँ, खाओ खाओ खाओ। ये समझ रहे कि इनको हम पकड़ने के लिए झुके हैं, देखा है आसमानी रंग, नीला रंग, कई रंगों से ये सुशोभित है। रामचरित मानस में इनका वर्णन आता है कि भगवान राम जब रावण के लिए मतलब निकले वहाँ से, तो उनके वहाँ पर वो ये वहाँ गए। हाँ चलो कहाँ है कहाँ कहाँ, हम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं महाराज जा रहे हैं जा रहे हैं। चलो ठीक है साहब, बना लिया, क्या पता कर रहे हैं न रहे, ये कोई भरोसा है, कुत्ता ही आ जाए कोई आ जाए। ठीक है, देखा पांडे जी ने जिक्र किया, याद है हमका एक बार और बना मैं, और इसमें कोई तारीफ की बात नहीं कि कोई पांडे जी हमारी तारीफ कर रहे हैं तो हमको, उन्होंने एक तर्क दिया और तर्क संगत बात हो कोई भी हो, भाई रावण को भी तो पूजा के लिए बुलाया गया था, भगवान राम ने बुलाया था, हैं तो काहे बुलाया था, चूँकि उसके अंदर वो एक गुण था, उसके अंदर एक विद्या थी। तो हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है कि विद्या की पूजा करो, उसको महत्व दो, उससे कुछ सीखो, आप सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। चले भाई जगदीश सैनानी जी का कुर्ता जो है जो दिया था उसको आज पानी से धो दिया, हमने कहा कुछ आड़ी माड़ी हो निकल जाए, देखो कबूतर वहाँ बैठे हैं सब। ठीक, अरे अमन कहाँ हो, ए उसको छोड़ो, तुरंत गेहूँ लो ड्रम से, डब्बा लो गेहूँ लो, अटेरिया पर जाओ, अटेरिया पर जाके वहाँ के अटेरिया देखो, उस अटेरिया पर गेहूँ फेंको जाके, तुरंत डिब्बा दो गेहूँ लेके जाओ, डब्बा भर के उसी छत पर डाल दो, क्यों वहाँ पर बिल्ली और कुत्ते नहीं आते हैं ना, वहीं वो स्वच्छंद हैं, अपने छत पर डालोगे तो यहाँ कुत्ते भी आ जाते हैं, बिल्ली आ जाती है, हाँ है ना, कबूतर बैठे, बस नीचे से ऊपर जाओ और जा करके मुट्ठी मुट्ठी फेंको, फेंकोगे तो उड़ जाएंगे, उड़ के आएंगे फिर वही खाएंगे अपने, तो बाद में पता लगा कि ये वो खाते हैं। और इसका जो चावल और जो निकला है ना वो डिब्बे में, वो भी उसमें मिला लेना, तो चावल वाला अपने छत पर डालना, अच्छा हाँ, क्योंकि उत्पाद फेंकोगे तो रास्ते में ही गिर जाएगा वो, तो यही सारी चीज़ें हैं। एक आदमी हो जो करके दिखाता हो, सिखाता हो, बताता हो, उससे सीखो, उस हमको नहीं, मतलब जो क्लास में पढ़ा रहा है योग्य टीचर है उसे नहीं सीख रहे हो ना, उसे नहीं सीख रहे हैं, सीख कौन है, जो महा 420 हो, महाफ्राडी हो, तो याद रखिएगा मक्कार मक्कार को ही सम्मानित करता है, मक्कार मक्कार को ही का मूल्यांकन करता है, समझ गए, मक्कार मक्कारों का ही, हमने पांडे जी में खूबी देखा कि किसी मक्कार का उन्होंने समर्थन नहीं किया, चापलूसी नहीं किया, एक
बताया उन्होंने कि कल अद्भुत, हमको खुद ताजुब हुआ कि हमारे जीवन में तो देखिए लंबे समय तक जब आप तपस्या करेंगे लंबे समय तक तभी कुछ संभव है। धूप निकला, यहाँ पेड़ लगाया था, देखो ये देखो यह धूप भी हल्का निकला, पानी भी झिसिया रहा है, जाओ लाओ देखिए कितना गेहूँ है ये। हाँ, इसको अपने छत पर डाल देना, अच्छा अपने ही छत पर जहाँ पानी हो वहाँ ना हो डाल देना, रोटी का टुकड़ा तो वहीं फेंक देना, उधर वहाँ तो चला जाएगा, चावल और काकुन अपने छत पर, वही मोलेरी पर, रेणु की तरह मोलेरी पर रख देना, अलग अलग दूर पर। तो प्रकृति के बीच में रहने से, काम करने से, अब देखिए कहीं किताब में पढ़ा था, अब ये गुर्स लाए थे, इतना मोटा गुर्स आप ढूंढें कहीं मिलेगा नहीं, जंगल था तो लाए, अब इसको कुटवाएंगे, एक खजूरिया के पेड़ हमारे यहाँ सूख गया था, कटवा दिया था, अब यह बढ़िया स्टूल का काम करेगा, बस पानी से ये बचा रहे। यह गुर्स है गिलोय, ये देखिए ये गिलोय है, ये गुर्स कितना मोटा गिलोय है गुर्स, ऐसे को कटवा करके टुकड़े इतने टुकड़े करवा करवा के कस के कूँच के एक बाल्टी पानी में खलभला के रख लिया जाएगा, एक दिन दो दिन पड़ा रहेगा, छाना जाएगा, पानी को थिराएंगे तो नीचे बिल्कुल सफ़ेद वाइट इसी का सत निकल आएगा, तो वो कितना मतलब वो लाखों रुपए में कहिए किलो में मिले पाउडर इसका है, तो वो हमने कहीं किसान बढ़ा था इसका सत निकाल के एक डिब्बे में रख लिया गया, कभी वो ख़राब होगा नहीं, तो एक चावल के बराबर शहद में मिला के आदमी चाट ले, फिर आवे करोना हो करीना हो भकंदर चुकंदर कोई सतरा फीवर तो करीब नहीं आपके आएगा, लेकिन कब जब खान पान आपका सही हो तब। अब समोसा खा रहे हैं और दवा भी खा रहे हैं तो दवा क्या काम करेगा, समोसा तो ऐसा सतरा आइटम बम है शरीर के लिए, ऐसे आइटम बम है। देखो पानी बरसा घमसा निकला, अब हो सकता फिर काला काला बादल आ जाए, अब फिर पानी बरसने लगे, पीली वाली तितली लोग आ गई, उनका मनोरंजन होने लगा, लक्कड़ को यहाँ पर नहीं कह लिए रखा है सब, हमने कहा अंदर रखो पानी में भीग जाएगा, बीच में बुघारे बदन गर्मी है ना, मच्छर सते उड़ के काटते हैं, आएंगे काटेंगे काट के भाग गए। चले भाई कुछ सीखो कुछ समझो, अंधविश्वास को और मत भागो, मंदिर 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 मंदिर, अरे मंदिर जाओ, आन बान शान की बात है, वहां तो खूब मनाओ खूब जाओ, जैसे कल बग्गा जी ने कहा हमसे तबीयत खुश हो गई, ऐसे बोलना चाहिए, इसे लगता है कि हमारा तभी तो हमारा एक मजबूत भारत बनेगा, हम बोलें वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह और वो बोलें जय श्री राम, तब देखिए फिर इसको बोलते हैं भारत मिलाप है। आज आदमी आदमी को राजनीति मक्कारी चालाकी, अब हमारे बच्चे ने बग्गा जी को तुरंत उसी समय पकड़ो बैठाओ सीएम की कुर्सी पर, वो दारू बेच करके और क्या नाम दंगे करवा करके वो सरकार नहीं चलाएंगे, यहाँ जो दारू बेच के यानी एन केन प्रकार एंड फ्री, और बड़ा अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हुआ कि फ्री के चक्कर के ऊपर रोक लगा है, बहुत ज़रूरी है साहब, ये तो सीधे सीधे जनता को बेवकूफ़ बनाना हुआ, सीधे सीधे बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, सीधे सीधे खुले खुल्लम खुल्ला आप एक रिश्वत दे रहे हैं, उसको झांसे में दे प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, तो ए देखो यहाँ हो ए, उसको छोड़ो इसको बाद में ढंगाना, यही गनीमत कि इसको घुन नहीं खाता है ना, अगर घुन खाए तो बेकार हो जाए, इसके अभी कीलो को निकाल लेना, अच्छा चोट मार मार, देखो ये मोबाइल में दिखाओ, ये बबरी जो है ये बबरी को दिखाओ, देखो जहाँ उंगली है हाँ। ये बबरी पड़ी है हाँ पड़ी हाँ, वही का उंगली से किनारे पकड़ के दाबो तो जहरीला पानी निकल जाए,
अब वही 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 में दिखाओ। अच्छा हाँ बस कुछ छलका। हाँ थोड़ा सा है, है ना। हाँ थोड़े है ना, बस वो जहाँ निकलेगा बस अब नहीं निकली। हाँ वीडियो में बनाया। हाँ हाँ यही सब लोग देखो सीखो, देखो यहाँ भी है क्या, यहाँ देखो इसने वीडियो भी बना, देखो यहाँ है क्या, छोटा सा होगा ना। हाँ छोटा सा ठीक। हाँ इसको एक बार आउट डालो। हाँ हाँ एक मिनट अभी इसको आउट डालो, जब पानी निकल जाता है तो बबरी खत्म हो जाती है, तो मिट्टी का तेल लगाएंगे। एक तो यहाँ है बीच में, देखो जहाँ जहाँ उंगली है ये उंगली हटाएंगे इसी के नीचे। ठीक 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 हटो। हाँ हाँ पहुँच दे यहाँ तक से। हाँ और एक बार जा यहाँ भी होगा, यहाँ हाँ 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 कस के जागो। हमारे तुम लोग फायदे न कपड़ा, हमारी आदत है नहीं कपड़ा पहन के काम करने की। लाओ चलें भैया, हर चीज़ को देखो सुनो, गाड़ी तैयार है, बूंदा बांदी हो तो हटा लेना। अच्छा नहीं कि खा तो देखिए, सब झोले में कमरख भी है, रोटी है, चना है। बाबा हाँ हम इनका कहा रहे हैं ये तो लगा देते अलग। अरे यार ये कल ये एकदम ताज़ा नोचा गया है क्या भैया, अब तो गाड़ी को करीब रखना पड़ेगा ना, ये कल एकदम सफ़ेद है देखो, तल बंदरों ने नोचा ही है, सब फाड़ फाड़ के नाश किए हैं सब, कहाँ तक बर्दाश्त करें महाराज, क्या किया जाए इनसे। इसीलिए भगवान वो करते हैं कि अरे वो सब खोल लेते हैं। हाँ गाठी लगा दो। हाँ कहाँ पूछत रहे हो अभी, मतलब कि हुआ पावे साफ सफाई वह है। हाँ और सामान सटा सब अपने अपने जगह फिट जगह रखा है। हाँ तो जितने समय इनका बनावा जाए। हाँ मतलब लगावा जाए सब चीज। हाँ हाँ उतने समय एक एक वही लग के उठवा ले आवे। अच्छा तब तक के लिए हिंगा हुआ का तो साइड वाइड में लगा दिए, मतलब कहीं ना कहा नहीं कहीं नहीं ना। हाँ हाँ हम कह रहे हुआ जगह नहीं है ना बहुत। अरे तुम किनारे रखो भाई, हुआ रखा रही सफाई हो करके रंगाई पोताई शुरू हो जाये। मैं रखो किनारे किनारे झाड़ू मार मार के या कीला जरूर निकाल दूँ। ठीक है साहब, एक एक चीज़ हम दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, वो सीखो समझो अपना कल्याण करो, हमारी कोई मदद मत करो, कुछ मत करो, आदमी हो तो कुछ बोलो। अब सरदार जी बोले बग्गा जी कितना अच्छा लगा है, तो आपको नहीं लगता? वही तो हमने पांडे जी से कहा, हम कहा ये ब्राह्मण कहाँ मर गया है, अरे महिमा मंडित मत करो, लेकिन मेरी आवाज़ में तो आवाज़ मिला, वरना तिलक तराजू और तलवार जूते खाए बैठे हो, अब जूते नहीं अब तो फटे हुए जूते संवारे जाओगे। है एक अद्भुत एक चमत्कार हमारे आध्यात्मिक शक्तियों में यही तो है, ऐसा क्यों यहाँ ही क्यों, इतने बड़े रायबरेली में बहुत हजारों मकान, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कितने मंदिर, कितने बाबा, कितने स्वामी, कितने भगत लोग, है? ऐसी घटना यहाँ क्यों घटी? तब सांप लोग यहाँ अपना अड्डा बनाए हैं, पानी पीते हैं, उसका भी मैंने फोटो बनाया है, तब हमको कहीं खा जाते, हमको कहीं बीमारी कोई पकड़ लेती है, कहीं गए भी तो मौत के मुंह से निकाला। इसीलिए भगवान ने दिखाया कि देखो जिसको लोगों ने समझा यह है हनुमान बानर भोज की कृपा, इसीलिए ऐसा हमारे साथ घटना घटी ताकि लोगों की आँखें खुल जाएँ, लेकिन ना बस वही मंदिर वही पत्थर वही आडंबर, हकीकत पर आइए। मंदिर बनाया गया है तो आपको एक वो इंगित करता है, वो आपको बताता है कि हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, संगत तो जो साकार रूप में आ जाए तो कहने क्या है? कह लिए हाथी को लोग देखते हैं, जब हाथी आता है लोग हाथ जोड़ते हैं उसको, लोग दौड़ दौड़ के खिलाते हैं हाथी को, क्यों ऐसा करते हैं? ये गणेश के रूप माना गया है उनका। जय श्री राम।